हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमन, और कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से, 9:30 बजे से। तो अभी 9:30 हो गई है और आज धूप बहुत अच्छी आई है। 2 दिन से मौसम ख़राब है और आज अच्छी सी धूप आई हुई है। पापा भी चले गए, अंकित भी चले गया। अंकित तो सुबह में ही चले गया था, तो मैंने अंकित को भी टिफ़िन दे दिया था और पापा को भी टिफ़िन पैक करके दे दिया और नाश्ता करवा के भी भेज दिया था। और अभी हमारा सारा काम भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ कर दिया है और अब हम धोएंगे अपना मुँह और अच्छे से। तो यहाँ पे अभी सिर्फ अंजू और मैं हूँ, और अभी मम्मी 1-2 दिन और रहेगी हरिद्वार, तब तक मैं यहीं रहूँगी। क्योंकि रचू दीदी की तबीयत थोड़ा ख़राब हो रखी है, मतलब मेरी बड़ी दीदी है जो, उनकी बहुत तबीयत ख़राब हो रखी, तो उनके साथ में। तो अभी दीदी मम्मी वहीं पे है। तो अभी अभी हम धोते हैं मुंह और फिर हमारा आता है नाश्ते की बारी। हम भी नाश्ता करेंगे और मेरी कुकी को मैं दिखाती हूँ कैसे सो रखी है। तो अभी दिखाती हूँ, ये देखो इतनी प्यारी लग रही है, ऐसा करके सो रखी है। वो नीचे पर नहीं सो रही, पता नहीं क्यों ऐसे करके, उसको ना कुछ चाहिए होता है नीचे, तो ऐसे करके सो रखी है। और अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैंने यहाँ पे ये रख दिए हैं दही के डब्बे, क्योंकि आजकल दही बहुत लेट बनती है ना, तो इस वजह से फिर मैंने ये 2 दही के डब्बे हैं तो यहाँ पर रख दिए। थोड़ा धूप में रखने से भी बनती है, तो अभी देखते हैं कि कितने लेट में बनती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है इसलिए। और अभी अंजू जा रखी है मुँह हाथ धुलने, तो फिर मैं भी धुलती हूँ मुँह। और अभी मैंने खाना भी तैयार कर लिया है। तो खाने में आज बनाई हुई है कढ़ी, जो कि फेवरेट है हमारी, और धूप में तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो अभी हम खा रहे हैं खाना। 10:30 हो गया है और हमारा काम भी सारे निपट गए हैं। आज मैंने कपड़े भी धुलने हैं क्योंकि मौसम भी सही है। वैसे तो मैंने कल भी धुले थे वॉशिंग मशीन में, क्योंकि सूख जाते हैं जल्दी, सूख जाते हैं सूख जाते नहीं, सूख जाते हैं जल्दी। तो मैंने अभी पानी लगा दिया है वॉशिंग मशीन में, तो अभी वो घूम रहे हैं। उसके बाद में कपड़े, मतलब कपड़े धुल रहे हैं, तो उसके बाद मैं अभी छालूंगी थोड़ी देर में। और अभी करते हैं खाना, नाश्ता, लंच, जो भी है। हम डेली आज कल चाव सॉरी रोटी खा रहे थे, तो हमने सोचा आज हम चावल खा दे, क्योंकि एक ही टाइम का खाते हैं, दिन में कोई रहता नहीं है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे धूप भी चली जाती है, तो चावल खाने का मन नहीं करता है। तो आज हम दिन में खाएंगे चावल, और मैंने बना के चावल और कड़ी तो और सब्जी बना रखी है। तो अभी खाते हैं हम खाना। तो दोस्तों, अभी हम खाना खा रहे हैं, और अभी खाने में मैंने आपको जैसे बताया कि देखो मैं तो कढ़ाई में ही खाती हूँ, तो जिसमें कढ़ी बनी हुई थी उसी कढ़ाई में खाया मैंने। और ये है सब्जी, तो मैंने ये नई तरीके से बनाई हुई है। ये मैंने जो गोभी होती है उसको वो किया है, क्या कहते हैं उसको, कद्दूकस या ग्रेट जो बोलते हैं, वो किया बारीक करके और तब बनाई हुई है। तो देखते हैं कि कैसे बना हुआ है। वैसे तो बहुत टेस्टी बना हुआ है, मुझे पता है, मैंने टेस्ट कर लिया है। तो चलो अभी हम खाना खाते हैं धूप के मस्त मज़े लेके। यहाँ पे कोई ना, तो इसलिए हम बाहर पे बैठ के भी खाना खा सकते हैं। हमारे घर की यही खासियत है, हम बाहर पे बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इधर कोई नहीं। और मेरे ससुराल में भी सेम यही है कि वहाँ पर भी कोई नहीं रहता है, तो हम बाहर पर बैठ के ही धूप में खाना खाते हैं ठंडियों में। तो चलो अभी हम खाते हैं खाना। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों अभी हो गई है शाम और मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ शाम को। उसके बाद मैंने दिन में कपड़े धुले बहुत सारे वाले कपड़े, और क्या कहते हैं, क्योंकि अंकित के ऑफिस के बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, तो मैंने बहुत सारे कपड़े धुले। और उसके बाद में गांव से कोई भाभी आ गई थी जो यहाँ पे घास काटने के लिए दे रखा है, जिसके पास मम्मी ने, हमारे यहाँ पे बहुत सारा घास होता है ना, तो वो वेस्ट हो जाता था, इसलिए मम्मी ने जहाँ से हमारा दूध लगा हुआ है वहाँ पे दे रखा है घास काटने के लिए। तो अभी शाम हो गई है, शाम की 5 बज गई और हम बाहर आ गई हैं अभी। और थोड़ा सा हमने आराम भी किया, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत जल्दी चली जाती है। हम थोड़ी देर आराम भी किया, क्योंकि कपड़े वगैरह धोने के बाद बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। तो अभी हम बाहर पे आ गई हूँ मैं, और अंजू भी ऊपर मिली के साथ खेली। मैं यहाँ पर कुकी के साथ कुकी को खिलाऊंगी, मतलब क्योंकि वो शाम को कुकी भी जिद करती है खेलने की। और ये देखो तैयार हो रखी है, तो उसका खेल होता है इस डोरी से। तो ये जो डोरी पकड़ रखी है उसने, तो मुझे देख रही है कि खेलने आ जल्दी। वो डोरी से, मतलब उस डोरी खींचती हूँ तो उसके पीछे भागती है, वैसा खेल होता है उसका। देखो मेरे पीछे पीछे आ रही है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज कितने सारे कपड़े धुले हैं। तो मैं अभी दिखाती हूँ, मैंने आज बहुत सारे कपड़े धुले हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है, बट अंकित के वहाँ के कपड़े के, तो ऑफिस के कपड़े हैं तो उनको धुलना ही पड़ेगा। ये देखो मैंने यहाँ से आज कपड़े धुले हैं, और पूरा इतना सारा इतने कपड़े धुले हुए मैंने सारे, और कल भी धुले हुए थे। कुछ मेरे कपड़े भी हैं इसमें और उसके भी हैं।
अभी फिर हमने ये कर लिया और अभी हम थोड़ी देर में चाय वगैरह पियेंगे। चाय तो जब पापा आते हैं तभी पीते हैं, तो अभी हम थोड़ी देर मैं कुकी के साथ खेलूंगी, फिर उसके बाद अंधेरा भी हो जाता है थोड़ी देर बाद में, और उसके बाद फिर अंकित भी आएगा तो खाना वगैरह की तैयारी करेंगे हम। तो बस आज इतना ही था, कुछ ज़्यादा है नहीं, तो अभी आपको दिखाएंगे जब अंकित और पापा आएंगे। तो अभी खेलते हैं हम कुकी के साथ में। तो अभी हो गया है अंधेरा और कुकी ने भी बहुत ज़्यादा खेल दिया, और अभी भी वो अंदर नहीं जा रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे बैठ है और अभी अंदर नहीं जा रही है, और अंधेरा हो गया तो यहाँ पे जानवरों की डर है, बाघ वगैरह की, तो इसलिए मैं उसको जबरदस्ती अंदर करना पड़ेगा। कुकी आओ नीचे। हो गया, बहुत हो गया, अब चलो खेल दिया, अब चलो अंदर चलो। तो अभी पूरा अंधेरा हो गया तो मैं कुकी को अंदर लेके आती हूँ। आ जाओ कुकी, आ जाओ। तो मैंने कुकी को कर लिया है अंदर, और अभी मैं यहाँ पे कपड़े निकालती हूँ और लाइट भी खोल देती हूँ कि अंधेरा होने वाला है, तो इसलिए लाइट खोल देते हैं। तो सब लाइटें खोल दी है मैंने, लाइट नहीं खोलनी है यार। तो अभी सारी लाइटें खोल दी है, तो मैं अभी कपड़े भी निकाल देती हूँ, जितने भी कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि अब पाले से ना कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो चलो अभी मैं निकालती हूँ कपड़े और फिर मिलती हूँ आपसे। और इतने सारे कपड़े लेके आ गई हूँ मैं, अब इनको करती हूँ मैं फोल्ड। इतने सारे कपड़े अब इनको करती हूँ मैं फोल्ड, और फिर करेंगे हम पापा और अंकित का वेट, क्योंकि वो भी आने ही वाले होंगे। और देखते हैं फिर खाने में हम क्या बनाते हैं, क्योंकि वो जब आएंगे तो तब उनसे पूछ के बनाएंगे। आटा वगैरह गूंद के रख देते हैं, और आगे फिर वो आएंगे तो पूछेंगे उनसे कि क्या बनाना है। तो अभी करती हूँ मैं चलो इनको फोल्ड और फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों अभी हो गया है अंधेरा और मैं इतनी ढकी ढकी लग रही हूँ खतरनाक, क्योंकि ठंडा लग रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मैंने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं। भले अभी गर्म ठंडा तो लग रहा है, क्योंकि कुकी के साथ मैंने खेला और मिली ने भी खेला। और आज मिली देखो ये है सिल्वर बनी हुई है, सिल्वर सिल्वर पहना हुआ है इसने। अभी शांत है क्योंकि बैठी हुई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है वो। और यहाँ पे ये दोनों हीटर सेक रहे हैं। और अभी हम बनाने जा रहे हैं आज गाजर का हलवा, क्योंकि अंकित का मन था और पापा कल बहुत सारी सब्जी भी लेके आ रखे हैं, देहरादून गए हुए थे मंडी से, तो आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो चलो अभी बनाते हैं, क्योंकि अंकित और पापा भी आने वाले होंगे। अभी हमने खाना भी बना लिया है और पापा और अंकित भी आ गए थे, तो अभी हम खाना खा रहे हैं। और खाने में आज मैंने जैसे बताया कि गाजर का हलवा बना रही हूँ, बनाया है मैंने, तो अभी मैंने गाजर का हलवा बनाया। और पापा चिकन भी लेके आए तो चिकन भी बनाया है। तो पापा और अंकित तो उधर मैच देख रहे हैं और वहीं खा रहे हैं, तो यहाँ पर अंजू मैं खा रहे हैं और बाहर पर हमारी कुकी खा रही है। तो फिर अंजू इसे पूछते हैं कि गाजर का हलवा कैसा बना हुआ है, क्योंकि वो तो अभी उधर है। तो अंजू बता कि गाजर का हलवा कैसा बना हुआ है। बहुत टेस्टी बना है। अच्छा बना है, बहुत अच्छा, ठीक बना है सच में। तो बहुत अच्छा मस्त, अंजू का कहना है कि मस्त बना हुआ है। तो अभी मैं भी ट्राई करती हूँ और खाती हूँ। और यहाँ पे मैंने हीटर जलाया हुआ है, तो देखो आग की जैसी वो आ रही है, क्या बोलते उसको, एलर्जी की आग लगा रखी थी, पर हीटर जलाया हुआ है। और कुकी बाहर पे खाना खा रही है, ये देखो यहाँ पे चली गई कुकी ने खाना खा के, वो चली भी गई कुकी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, तो वो अब सोने के लिए चली गई है। तो अभी हम भी खाते हैं खाना और फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।